पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को कल यानी कि 5 अगस्त को तोशखाना केस में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब के बीच पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जनता के बीच गए और पूछा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर आवाम की क्या राय है। इस पर लोगों से मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों का इस मामले में पॉजिटिव रिस्पांस था, यानी कि वो इमरान खान को लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं। यूट्यूबर से बात करते हुए एक शख्स ने बताया कि मुझे इमरान खान की गिरफ्तारी से बहुत खुशी हुई है, कई लोगों को गिरफ्तार करवाया था। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ तक को जेल की हवा खिलाई है, वो भी यही करते थे और आज भी उनके साथ यही हो रहा है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने बताया कि जिस तरीके का जुल्म इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता के साथ किया है जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों की राय थी कि इमरान खान पाकिस्तान को 3 साल में बहुत पीछे ले गए थे। उन्होंने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया था, लोगों से सिर्फ फेक प्रॉमिसेस किए थे, लोगों को सिर्फ पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने का काम किया था इमरान खान ने। इमरान खान की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ है। एक पाकिस्तानी शख्स ने यूट्यूबर से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की सरकार में रहते हुए IMF से भी बहुत ज्यादा लोन लिया गया था और अब पाकिस्तान का जो हाल है वो कहीं ना कहीं इमरान खान की वजह से ही है, क्योंकि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान में बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया था। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 9 मई को उन्हें अल कादिर ट्रस्ट घोटाले मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उस वक्त हजारों की तादाद में PTI के समर्थक सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।